डॉक्टर अलका जी बनी हुई हैं, सुशील द्विवेदी जी बने हुए हैं, दिव्यजीवन जी, महंत जी बने हुए हैं। लगातार हम इन सभी से चर्चा कर रहे थे, क्या कुछ आपको आज करना है, क्या कुछ नहीं करना है। कई सारी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो वहीं के न्यूज के माध्यम से आपको लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सूर्य ग्रहण सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। तो बड़ा है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस सूर्य ग्रहण को आप देख भी सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर अलका ने भी बताया था कि आप आसानी से इसको देख सकते हैं, सुशील जी ने भी बताया है। सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगी, और क्या कुछ आप के न्यूज की तरफ से दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, अधिकतर देश के हिस्सों से लोगों ने इस अद्भुत घटना का आनंद ले लिया होगा। हाँ जी, खुद महसूस हो गया होगा कि किस प्रकार से अंधेरा छाया पूरी भारत के अलग अलग हिस्सों में, और सब लगभग अधिकतर जगहों पर उन्होंने इस अद्भुत घटना का आनंद लिया होगा, जिसमें सूरज एक प्रकार से उन्हें एक हार की तरह दिखाई दिया होगा, जिसमें जिस हार में मोती की तरह त्रोए हुए इस प्रकार का उन्हें सूरज देखने को मिला होगा। तो ये अद्भुत घटना क्योंकि कई सालों में एक बार देखने को मिलती है, उन्होंने इसका आनंद उठाया होगा। इसको वैज्ञानिक नजरिए के अनुसार देखें, और साथ में जो अलग अलग हिस्सों से जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जो उनके लिए ये निश्चित ही बहुत ही एक फलदायी सिद्ध हुआ होगा, और निश्चित ही वो दिन दूर नहीं कि इससे जो नई नई जो गणनाएं वैज्ञानिकों ने की होंगी, वो हमारे विज्ञान को आगे बढ़ाने में और आगे तक हमें जाने में निश्चित ही रूप से ये मदद करेंगी। जी जी, तो जैसे कि सुशील जी ने बताया, जिसने भी इस नज़ारे को देखा होगा उसे काफ़ी अच्छा लगा होगा, जो भी इस सूर्य ग्रहण को देख पाया होगा। अब हम डॉक्टर अलका आपके पास आएंगे, आप क्या कुछ कहेंगी हमारे दर्शकों को? देखिए दर्शकों को मैं सिंपल एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले कि ग्रहण जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो बचपन से जो पढ़ते हुए हैं कि सूर्य ग्रहण दो तरह के ग्रहण होते हैं, एक होता है आपका चंद्र ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण। बिल्कुल। तो एक साल में मैक्सिमम जो है 7 इक्लिप्स पड़ सकते हैं। जी। ठीक है, अब सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण मैंने आपको पहले भी बताया कि जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो आपका जो है वो सूर्य ग्रहण पड़ सकता है, और इसी तरह से जब सन के और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो हमारा चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो है वो 3 तरह का हो सकता है। पहला ग्रहण जो होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है, या टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं इसको, जबकि जो होता है चंद्रमा जो होता है वो पूरा पूरा सूर्य को ढक लेता है। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। जब वो कुछ पार्ट उसका ढकता है तो इसको हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं, या आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और तीसरा टाइप का जो होता है ये एनुलर इक्लिप्स जो होता है, थोड़ा सा रेयर होता है, क्योंकि इसमें जैसे कि बताए ना डिस्टेंस होता है सन का अर्थ से, मून का अर्थ से, ये सब इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो ये घटता बढ़ता रहता है। और ये ग्रहण पड़ने के लिए तीनों का एक सीध में होना जरूरी है, यानी कि सन का, अर्थ का, मून का एक सीध में होना जरूरी है। और इस पोजीशन को जब ये एक अलाइनमेंट में होते हैं, एक सीध में होते हैं, इसको हम कंजंक्शन पोजिशन बोलते हैं। तो ये पोजिशन जब होती है सूर्य ग्रहण की, जब अर्थ और सन के बीच में मून आता है, तो इस टाइम जो होता है ये हमारा न्यू मून कहलाता है, या अमावस्या कहलाता है। तो ये अमावस्या तो हमारी आप देखते हैं कि 15 दिन बाद आपका ये पड़ेगा, 15 दिन का होता है, तो आपकी अमावस्या पड़ी, पूर्णमासी पड़ी, भी अमावस्या पड़ी, न्यू मून फुल मून। तो हर एक उनको हर एक अमावस्या को क्यों नहीं सूर्य ग्रहण पड़ता, ये भी सोचने की बात है कि क्यों नहीं पड़ता है। क्योंकि ये जो इनकी ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में चंद्रमा घूमता है, जिस ऑर्बिट में अर्थ घूमती है, और जो सन का प्लेन है, जो हमारा सोलर इक्लिप्टिक प्लेन है, वो सब अलग अलग एक दूसरे से इंक्लाइंड है। तो जनरली क्या होती है कि छाया जो होती है वो उसको क्लियरली हमेशा जो होती है वो ऑब्स्क्योर नहीं करती है और निकल जाती है। तो हर न्यू मून को सोलर इक्लिप्स नहीं होता है, हर पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण नहीं होता। जी, ये तो काफी अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। अलका जी, हम दिव्य जीवन जी आपके पास आएंगे, आपकी तरफ से जानेंगे दर्शकों के लिए आखिरी संदेश, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हमारा सभी लोगों से यही निवेदन है जी कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से सभी को समायोजित करके जी
और जो भी बताए गए तत्व हैं उनके अनुरूप आचरण करते हुए हमारे शरीर की किस प्रकार से स्थिति बने रहे, किस प्रकार से हमारा जीवन आगे भी चलता रहे, इसके लिए हमें निश्चित रूप से उसी मार्ग का अनुसरण करना है। और चाहे वैज्ञानिक हो चाहे धार्मिक मत, सभी ने बताया कि हमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम जितना भी एकांत वास करेंगे, जैसा कि कोरोना के कारण से आज क्या ने कह रहा है कि हमें एकांत वास करना चाहिए, किसी का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी के भी समीप नहीं बैठना चाहिए, तो इस प्रकार से ठीक इसी प्रकार से ये ग्रहण भी है। समय को हम यदि थोड़ा समय इस समय में हम यदि धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप आचरण करते हैं और भगवान का नाम भी लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से एक ऊर्जा मिलेगी और वो ऊर्जा हमारे सारे जीवन के लिए बहुत बड़ा शक्ति प्रदान करेगी। इसलिए इन सभी मान्यताओं को भी देखते हुए और वैज्ञानिक दृष्टि से भी सभी से जो सर्वमान्य है उसके अनुरूप आचरण करके हमें अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार से बचाना है। यदि हम अपने जीवन को नहीं बचा पाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी हानि होगी। वो चाहे वैश्विक रूप से हो, सृष्टि के रूप में हो, चाहे एक एक बिंदु के रूप में, एक मानव के रूप में हो, सभी की सुरक्षा आवश्यक है इस कठिन समय में। वर्तमान समय निश्चित रूप से कठिन समय चल रहा है क्योंकि अनेक प्रकार जी की दीप विपत्तियां। जी दीप जीवन जी, आपने काफी अहम जानकारी दी है और आपने जिस तरीके से बताया कि हमें मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए, लगातार भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि जो निगेटिव चीजें हैं हमारे जीवन से वो दूर हो पाए। और बहुत सारी आपने जानकारी हमें दी है। के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, इसी पर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता रहे हैं हर एक चीज के बारे में जानकारी। हमारे साथ डॉक्टर अलका जी जुड़ी हुई हैं, सुशील जी भी जुड़े हुए हैं, और भी हम आपको तमाम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक।